नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हम बात करने वाले हैं आने वाली 4 और 5 जनवरी 2023 की, क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा सिंह राशि वालों के लिए। तो इसको धन लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, महालक्ष्मी योग भी बोलते हैं। कुल मिलाकर लक्ष्मी आने की कृपा आप पर बरसने वाली है। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को, दशम भाव में यह योग बन रहा है। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल दो ही बड़ी मजबूत स्थिति में होते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए साल की पहली खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दसवें घर में मंगल कुल दीपक योग भी बनाता है, चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी योग, धन योग, जो भी आप नाम कहें वो बनता है। देखा जाता है दसवां घर आजीविका के लिए और सीधी दृष्टि होती है घर वाले भाव पर, सुख भाव पर। तो यहाँ पर आपका परिवार में पैसा आता है, परिवार में खुशियां आती है, परिवार के लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, शादी ब्याह के मांगलिक कार्य भी हो जाते हैं, यानी शुभ काम होते हैं। और ये 2 दिन में आप कड़ी मेहनत से अपनी नौकरी और व्यापार में तरक्की पाते हैं, यानी कि आगे बढ़ने का रास्ता आप खोज लेते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं। और कुछ लोग जो पहले से परिश्रम कर रहे होते हैं उनको इन दिनों पर ऊंचाइयां मिल जाती हैं, तरक्की मिल जाती है। आप बढ़िया रणनीति बनाएंगे इन 2 दिनों में, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। इन 2 दिनों में की गई कड़ी मेहनत आपके लिए फलदायी साबित होगी, आपके चेहरे की थकान गायब हो जाएगी, शरीर का आलस दूर हो जाएगा, तरक्की ही तरक्की करेंगे। आप अपनी सफलता को देखकर खुश हो जाएंगे, घर वालों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलेगा। जब आदमी सफल होता है तो उसके कुछ शत्रु बन जाते हैं, तो कुछ शत्रु पैदा हो जाएंगे, लेकिन आपको शत्रुओं की परवाह नहीं करनी है, शत्रुओं को मार काट कर आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सफलता देखकर शत्रु भी भाग जाएगा और आपका साहस देखकर शत्रु टिक नहीं पाएगा। आपकी सफलता जो है वो बहुत आगे बड़े उच्च दर्जे की होने वाली है। जो भी लोग इस योग में पैदा होंगे इन 2 तारीखों में, बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, तो उनके लिए समझ लीजिए यह राजयोग है। थोड़ा सा स्वभाव में क्रोध होता है, लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं आप, जीवन में तरक्की पाते हैं, कभी डरते नहीं है, कभी लड़खड़ा गिर भी जाते हैं तो खुद उठकर खड़े हो जाते हैं। आपका दिमाग तेज होता है, शातिर होता है, जैसा वक्त जैसा इंसान वैसे ही आप होते हैं। आप विपरीत लिंग के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, क्योंकि बढ़िया सूझबूझ होती है, बढ़िया शरीर होता है, महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आप कठिनाइयों में हार नहीं मानते हैं, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। आप पैसा कमाना बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन पैसा जोड़ने में थोड़े से कमजोर होते हैं। आप में बड़े बड़े पदों पर बैठने का दम होता है, चाहे वो सेना के पद हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे नेता नगरी का कोई पद हो या फिर कोई और बड़ा जो ऊंचा पद, छोटी मोटी नौकरी नहीं करते, बड़ा व्यापार करते हैं। आपकी सफलता बहुत बड़ी होती है। आपकी गरीबी अब दूर होने का वक्त आ गया है, आपके परिवार का भला होने का वक्त आ गया है। आप हनुमान जी की आराधना करें, मीठा खाएं और खिलाएं, आपका भला होगा। विकलांग लोगों की सहायता करने से भी आपको बहुत लाभ होगा, नौकरी में लोकप्रियता बढ़ेगी, नौकरी में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, जो तनाव था, जो टेंशन थी वो दूर होती चली जाएगी। आप इन 2 दिनों में सेवा करेंगे, सेवा और कर्म दोनों से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, आप अपने काम से प्यार करेंगे। इन दिनों में आप अपने घर से दूर, यानी घर की चिंता छोड़कर अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे, आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की तरक्की होगी, माता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, माँ से धन और प्यार दोनों मिलेगा। रात्रि में दूध मत पीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जो भी डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं वो किसी भी रूप से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ लोग वैद्य होंगे, कुछ लोग आयुर्वेदाचार्य होंगे, कुछ लोग योगा थेरेपिस्ट होंगे, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा, उन सबको लाभ होने वाला है, कोई सर्जन होगा, कोई कुछ होगा, कोई गायनी का डॉक्टर होगा, इन सबको लाभ होने वाला है। सरकारी धन की प्राप्ति होने वाली है, सरकारी काम बनने वाले हैं। छोटी बड़ी राजनीति में भी आप मत पड़िएगा, राजनीति से दूर रहिएगा फिलहाल इन 2 दिनों में। मंदिर जाना आपको विशेष लाभ देगा, रात्रि में दूध का प्रयोग करना नुकसान देगा। और आपके नए मित्र बन सकते हैं, बढ़िया मित्र बन सकते हैं, आपके जीवन में इन 2 दिनों में कुछ बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावनाएं जाग उठेंगी। सरकारी क्षेत्र में बड़ा पद, बड़ी उन्नति, बड़ा लाभ होने की बड़ी संभावना है। आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इन 2 दिनों में मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा, कुछ लोगों की शुरुआत हो जाएगी। तो आपका भाग्योदय हो सकता है इन 2 दिनों में, व्यापार नौकरी के लिए दोनों दिन बढ़िया है, समस्याएं समाप्त होगी, सीनियर से बढ़िया बातचीत होगी। क्रोध घमंड अहंकार से बचिएगा तो आपके लिए ये 2 दिन बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य आपके
राशि का स्वामी है, सूर्य की तरीके से आपका सितारा भी चमक जाएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, मीठा खिलाइए, माता की सेवा करिए, मंदिर जाइए, धार्मिक बने रहिए, यही आपका उपाय है। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो उसको बनवाइए और अपने ग्रहों को मजबूत करिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह ही बताएंगे कि आपको 2023 में क्या मिलेगा। कमजोर कुंडली के साथ, कमजोर ग्रहों के साथ आप तरक्की नहीं पा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए चश्मा, ये मैंने चश्मा लगाया हुआ है। अब इस चश्मे में दो चीजें होती है, एक तो चश्मे का फ्रेम है, ठीक है। अब आप चश्मे का फ्रेम खाली खरीद कर ले आए और उसमें कांच लगवा लें, खाली सादा कांच, तो आपकी अगर आंखें कमजोर होंगी तो आपकी आंख आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है मैम। यानी आपने चश्मा का फ्रेम खरीदा और उसमें एक सादा सा कांच लगवा लिया, तो आपकी अगर आंखें कमजोर हैं तो वो सादे कांच से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि आपकी आंखें कमजोर हैं। आपने उपाय किया लेकिन अधूरा उपाय किया, यानी कांच के अंदर पावर नहीं डाली। तो ऐसे ही जो आपके मरे हुए ग्रह हैं, जो दबे हुए ग्रह हैं, जब तक उनके अंदर पावर नहीं डलेगी, जब तक इस कांच के अंदर पावर नहीं डलेगी, तब तक आपको दिखना नहीं शुरू होगा। और जब तक आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अंदर पावर नहीं डलेगी, तब तक आपको तरक्की नहीं मिलेगी। तो शायद अगर आप बुद्धिजीवी हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो खाली चश्मा लगा लेने से, उसमें कांच लगा लेने से आप हीरो तो बन जाएंगे लेकिन दिखेगा कुछ नहीं। ऐसे 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 चलते हैं, अंधा आदमी कैसे चलता है जिसको कम दिखता है, ऐसे ऐसे दूसरे के भरोसे। तो आपकी जिंदगी में भी आप ऐसे ऐसे चल रहे, हाय आप मिल गया, हाय 2022 में मिल जाए, 2024 में मिल जाए, 2025 में मिल जाए, या कोई हाथ पकड़ के ऐसे ले जाएगा, भैया इधर चलो, उधर नहीं उधर चलो। और जब आपकी चश्मे के उसमें पावर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, आप अपने आप चलने लगेंगे, आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर सीधा रास्ता है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक आप अपने चश्मे में पावर नहीं डलाएंगे, अपने ग्रह की कुंडली, अपने अपने कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो ऐसे ही लड़खड़ाते रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे। तो अगर आपको अभी मेरी बात समझ में आ रही है तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएं और बताए गए उपायों को करें। उपाय समझ लीजिए, चश्मे का पावर है, वो नहीं तो फिर ऐसे ऐसे ही करते रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी 2 दिन सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया है, यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है, बढ़िया शुरुआत हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। आपका ईश्वर भला करे। नमस्कार। क्या आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप साल 2023 में प्रवेश करने वाले हैं? ऐसे कैसे चलेगा, बिना जन्म कुंडली के आप कैसे जानेंगे कि आने वाला वक्त कैसा होगा, आपका वक्त कैसा होगा, आपकी पत्नी का वक्त कैसा होगा, आपके बच्चों का वक्त कैसा होगा, आपके माता पिता का वक्त कैसा होगा? आपसे पूरे परिवार की कुंडली बनवाइए और जानिए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, आपकी पत्नी की किस्मत अच्छी हो, आप पत्नी की किस्मत से राजा बन जाए, आप पति पत्नी दोनों की किस्मत खराब हो सकता है, आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग हो, उसको फलित करके आपका कल्याण हो जाए। किसी की कुंडली से किसी का भला हो सकता है, आपकी कुंडली से आपके परिवार का भला हो सकता है, आपके बच्चों की कुंडली से आपका भला हो सकता है। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं बनवाएंगे और अपने परिवार की जन्म कुंडली को नहीं बनवाएंगे, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका अच्छा वक्त कब आएगा। जब आप अपनी जन्म कुंडली बनवा लेंगे, उसमें बताए गए उपायों को जानेंगे, जब उन उपायों को करेंगे तभी आप इस जिंदगी का असली मजा ले पाएंगे। एक पेड़ पे फल लगा होता है, पेड़ के फल को दूर से देखने पर आपका पेट नहीं भरेगा, जब तक वो फल तोड़कर आप अपने पेट में ना ले लें, उसको उसका उसको खाएं ना, तब तक आपको उसका स्वाद भी नहीं आएगा और आपको पेट भी नहीं भरेगा। तो इस दुनिया में पैसा है, दौलत है, सोना है, आभूषण है, ये है, वो है, सब कुछ है, दूर से देखते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जब तक वो आपके पास ना आए तब तक वो आपका नहीं होगा। तो आपको अगर इस दुनिया की धन दौलत चाहिए, सुख चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो अपनी जन्म कुंडली को बनवाइए, क्योंकि ये जन्म कुंडली ही बताएगी कि आपको कब क्या कैसे मिलेगा। तो साल 2023 की जन्म कुंडली बनवाने के लिए संपर्क करें। जो भी लोग लिखकर भेजेंगे L23, उन्हें जन्म कुंडली बनवाने पर और मुझसे बातचीत करने पर, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करने पर मिलेगा 23% का छूट। ये मेरी तरफ से है आपको न्यू ईयर का उपहार। तो अभी बुक कराइए और व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए L23, तो आपको 23% की छूट मिल जाएगी और आप कम पैसों में अपनी और अपने परिवार की कुंडली बनाकर पूरा पूरा मजा ले पाएंगे आने वाले वक्त का। अभी कॉल करें, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें, जानकारी प्राप्त करें और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।